शिवपुर जिला अस्पताल में ठीक सामने शिवपुरी क्लब में उस वक्त हड़कंप की स्थिति बन गई, जहां पर एकाएक बम ब्लास्ट हो गया। मौके पर पहले से ही NDRF और SDERF की टीम मौजूद थी। दोनों टीमों के द्वारा एकाएक रेस्क्यू अभियान की शुरुआत कर दी गई। इस पूरी घटना में मॉक ड्रिल के दौरान देखने को मिली। NDRF 11 बटालियन वाराणसी के डिप्टी कमांडेंट राम भवन ने बताया कि शिवपुरी क्लब में रेडियो एक्टिव ब्लास्टर के हालातों से टीम मिलकर कैसे रेस्क्यू अभियान चलाती है, इसका संयुक्त अभ्यास SDERF और NDRF की टीम ने किया। रेडियो एक्टिव ब्लास्टर के हालातों में लोगों को कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है और इस रेस्क्यू अभियान में कितने प्रकार के उपकरण संसाधन का इस्तेमाल किया जा रहा है, यह सब मॉक ड्रिल में प्रसारित किया गया है। शिवपुर से यूसुफ खान की रिपोर्ट। गैसेस भी निकलती है, तो इनकेस यदि ऐसा कुछ हो जाता है कि किसी भी फैक्ट्री से जहाँ पे कोई केमिकल प्रोडक्ट बनाया जाता है और कोई केमिकल गैस रिलीज हो जाती है, लीक हो जाती है, तो उस इमरजेंसी से कैसे निपटा जाएगा, वो केमिकल इमरजेंसी। किस गैस को लेकर की है, क्या आज एक्चुअली शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में 11 बटालियन NDRF की टीम यहाँ की SDERF की टीम के साथ मिल के एक रेडियोलॉजिकल इमरजेंसी पे मॉक ड्रिल किया है। रेडियोलॉजिकल इमरजेंसी का मतलब ये होता है कि एक हम RDD ब्लास्ट बोलते हैं, RDD मतलब रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सल डिवाइस, दूसरे शब्दों में उसको डर्टी बम भी बोलते हैं। वो एक नॉर्मल बम से अलग ऐसे होता है कि जैसे नॉर्मल बम आप सुने हो कि RDX का ब्लास्ट कर दिया, और उसमें क्या होता है कि जब हम किसी रेडियो एक्टिव मटीरियल को उसके साथ अटैच कर देते हैं और उसके साथ ब्लास्ट कराते हैं, तो नॉर्मल ब्लास्ट का जो असर होता है वो तो होता ही होता है, लेकिन उसके साथ रेडियो एक्टिव मटेरियल सब्सटेंस होने की वजह से एक रेडियोलॉजिकल इमरजेंसी भी क्रिएट हो जाती है। आप सभी को पता होगा कि जितने भी रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं उनसे बहुत हानिकारक रेज निकलती है, जैसे अल्फा पार्टिकल हो गए, बीटा, गामा, एक्सरे, इस तरह की रेज जो कि आम आदमी के लिए प्लस जितने भी लाइव स्टॉक है, जितने भी जीव जंतु हैं, सबके लिए खतरनाक होती हैं और लाइफ थ्रेटनिंग होती है। तो जो RDD होता है उसमें नॉर्मल जो RDX के साथ ये मटेरियल जोड़ने से उसकी जो मारक क्षमता है, जो नुकसान करने की कैपेसिटी है, हैवोक फैलाने की जो क्षमता है, कई गुना बढ़ जाती है। और एक रेडियो एक्टिव मटेरियल की ये भी खासियत होती है कि ये लंबे समय तक प्रभाव देता है। यदि कोई ब्लास्ट होता है तो ब्लास्ट के बाद ख़त्म हो जाता है, जितना नुकसान हुआ हुआ, लेकिन उसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल जोड़ने की वजह से जो उसका इफेक्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। यदि आपको पता होगा, सब में वर्ल्ड वॉर के टाइम में हिरोशिमा और नागासाकी में जो न्यूक्लियर बम ब्लास्ट हुआ था उसके बारे में सब जानते होंगे, वो तो खैर न्यूक्लियर इमरजेंसी हो गई, लेकिन वैसे ही एक छोटे तौर पर रेडियोलॉजिकल इमरजेंसी होती है और उसमें क्या होता है कि जो इफेक्ट होता है वो लंबे समय तक होता है। तो उसी पर हमने यहाँ पर एक मॉक ड्रिल किया है, हमने एक सीन क्रिएट किया है, एक सीन को सिमुलेट किया है। ये जो शिवपुरी क्लब है उसी में शिवपुरी क्लब के सामने हमने एक एज्यूम किया है कि यहाँ पे एक RDD ब्लास्ट हो गया है, ब्लास्ट होने की वजह से। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।